मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स। मुंबई अपने वाइब्रेंट कल्चर, हलचल भरी रोड्स एंड ऑफ कोर्स अपने फेमस स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। एक डिश है जो सिर्फ मुंबई में ही नहीं फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है। मुंबई का तो सिर्फ एक ही चीज फेमस है, वड़ा पाव। रिफिल अड्डा वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। जी हाँ, वो फेमस डिश है वड़ा पाव। आपने भी मुंबई के वड़ा पाव की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी होगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो एक फूड ब्लॉगिंग टाइप होने वाला है, नॉर्मल फूड ब्लॉगर्स का नहीं कि मैं बस खा के दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ी नॉलेज भी मिलने वाली है वड़ा पाव के रिलेटेड। बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई वड़ा पाव एवरी डे फॉर अ वीक इन मुंबई। जी हाँ, मुंबई में एक हफ्ते तक लगातार वड़ा पाव खाने वाला हूँ मैं, अलग अलग स्टोर्स का, अलग अलग वेराइटीज का। और जानने की कोशिश करेंगे मुंबई के लोग वड़ा पाव को इतना पसंद क्यों करते हैं, ऐसा कौन सा फ्लेवर है मुंबई के वड़ा पाव में जिसको मुंबई के लोग डेली खाना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 56 साल पहले वड़ा पाव का इन्वेंशन हुआ था। वड़ा पाव को 1996 में पहली बार अशोक वैद नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। अशोक वैद ने अपना पहला वड़ा पाव का स्टॉल दादर रेलवे स्टेशन पे लगाया। बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था, उस टाइम पे शिवसेना पार्टी में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से बाल ठाकरे ने अपनी जनता से रिक्वेस्ट की अपना घर चलाने के लिए कुछ नया काम करें। इसलिए अशोक वैद ने बाल ठाकरे से इंस्पिरेशन लेके अशोक वड़ा बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो अशोक सिर्फ वड़ा ही बेचा करते थे, लेकिन उनके मन में आया कि कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए उन्होंने बगल की दुकान से पाव लेकर उसके अंदर वड़ा डाल के बेचना शुरू किया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। वड़ा पाव का स्वाद दोगुना तब हो गया जब अशोक ने वड़ा पाव के लिए मिर्च, लहसुन, नारियल और मूंगफली की चटनी बनाई। इसके बाद धीरे धीरे लोगों को वड़ा पाव का स्वाद काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा और मुंबई में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि आज आपको हर गली हर चौराहे पे वड़ा पाव की स्टॉल मिल जाएगी। जब गर्मा गर्म तेल में तले हुए आलू वड़ा को एक सॉफ्ट से पाव के बीच में तीखी मीठी चटनी लगाकर सर्व किया जाता है, तो इस बला को वड़ा पाव कहते हैं। हमने अपना पहला वड़ा पाव खाया उल्लासनगर की एक लोकल शॉप पे। इन्होंने मेरे सामने ही वड़ा को फ्राई किया और पाव के बीच में हरी चटनी और लाल चटनी लगाकर उसके अंदर वड़ा डालकर दे दिया। देखने में तो काफी सिंपल था, ओए होए होए होए। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है, क्रिस्पी वड़ा एंड स्पाइसी चटनी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पहली बाइट में ही स्वाद आ गया। यहाँ का पाव काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जो कि हमारे लखनऊ या फिर और कहीं पे नहीं मिलता। भाई हमारा पहला वड़ा पाव इतना ज्यादा स्वाद है, तो बाकी के कितने स्वाद होंगे। The next morning. डे टू एंड वी आर ट्राइंग जम्बो वड़ा पाव एट A1 जम्बो वड़ा पाव। इनके यहाँ का स्पेशल है जम्बो वड़ा पाव, ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। इनके शॉप पे वड़ा पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे, बस इन्होंने पाव के अंदर लाल चटनी लगाई और वड़ा डालकर दे दिया। ओ माई गॉड, दिस इज सो बैड। बिल्कुल ही मसालेदार नहीं है। इनका वड़ा टेस्ट लेस है, बस साइज में बड़ा है, स्वाद कुछ भी नहीं है। भाई को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया ये वड़ा पाव। ये तो मैं दोबारा ट्राई नहीं करने वाला और आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये दुकान ट्राई करें आप। ये तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान। सही बात है। टुडे वी आर एट दिस ट्रेंडी रेस्टोरेंट इन उल्लासनगर। इन्होंने वड़ा पाव के अंदर कुछ अपना ही अलग सा टेस्ट ऐड किया है। लेट्स सी हाउ इज इट। वी हैव ऑर्डर्ड समोसा पाव, ग्रिल वड़ा पाव एंड चाय। इनका वड़ा पाव देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाओ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। इनके पास अलग अलग वैरायटी के वड़ा पाव थे। इनका स्वाद सबको पसंद आने वाला है, वो चाहे छोटा बच्चा हो या फिर मेरी उम्र का हो, सबको पसंद आएगा इनका स्वाद। और इनका समोसा पाव भी अच्छा था यार, मतलब नॉर्मल समोसे को एक पाव के अंदर डाल दिया था, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन इनका वड़ा पाव तो सच में स्वाद था। भैया को भी पसंद आया और आंटी को भी पसंद आया, तो ग्रेजुएट वड़ा पाव जरूर ट्राई करना, स्वाद आ जाएगा। डे 4 एंड वी आर ट्राइंग द वड़ा पाव एट दिस आइकॉनिक स्टॉल इन दादर। लोगों का कहना है कि ये रियल अशोक वैद जी की दुकान है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। वैसे इस बात पे मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, बट एनीवे इनकी शॉप पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप सिर्फ पार्सल करा सकते हैं। इनकी शॉप कुछ इस तरीके की है, दुकान तो छोटी है लेकिन आपको वड़ा पाव खाने के लिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। पहली बार मैंने कोई शॉप देखी है जहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगाई गई है खाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि भंडारे में बट रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे दे के खरीदना पड़ेगा भाई। ये वड़ा पाव काफी स्पीड में सर्व कर रहे थे ताकि लोगों को ज्यादा देर तक लाइन ना लगानी पड़े। हमने भी थोड़ी देर में अपना वड़ा पाव ले लिया। इनका वड़ा पाव कुछ इस तरीके का है, इनके वड़ा पाव के साथ आपको चूरा भी मिलेगा। ओ माई गॉड, दिस इज सो गुड। द वड़ा इज सो सॉफ्ट एंड फ्लेवरफुल। जब स्वाद इतना अच्छा है तो खाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगा सकते हैं। अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि सच में ये अशोक जी की दुकान तो नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा स्वाद स्ट्रीट साइड में अनबिलीवेबल। मुंबई में जितनी भी फेमस शॉप है हमने लगभग सारी दुकानों को ट्राई किया, सब जगह नॉर्मल वड़ा पाव ही मिल रहे थे जिसका स्वाद भी सिमिलर था, इसलिए सारी शॉप्स दिखा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ बेस्ट शॉप्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड किए, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आप मुंबई जाते हैं या फिर मुंबई में रहते हैं। मुंबई के बेस्ट वड़ा पाव खाने हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। सब जगह नॉर्मल वड़ा पाव होने के कारण मैंने सोचा अपनी इस वड़ा पाव की जर्नी की एंड अलग अलग वैरायटी के वड़ा पाव से करते हैं। जब अलग अलग वैरायटी का नाम आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया ग्रेजुएट वड़ा पाव, क्योंकि वहीं पे हमने देखा था इतने सारे अलग अलग वैरायटी के वड़ा पाव। इनका वड़ा पाव का मेन्यू इतना बड़ा है, मस्ट ट्राई में है वड़ा पाव, समोसा पाव, मैक्सिकन मायो चीज, पीरी पीरी चीज और भी बहुत सारी चीजें। आप पढ़ लो यार, हमें कोई पैसे थोड़ी मिले कि हम इनकी पूरी मेन्यू बताएं आपको, समझ रहे हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज गिरीश टोटवानी। ये जो शॉप है ये ग्रेजुएट वड़ा पाव, ये एक फ्रेंचाइजी मैंने ली
हुई है। यहाँ पे कई तरह के वड़ा पाव मिलते हैं, 25 अलग अलग वेरायटी के वड़ा पाव हम देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बेस्ट ट्राई है मैक्सिकन मायो चीज। तो जैसा कि इन्होंने बोला चीज मायो वड़ा पाव हमें ट्राई करना चाहिए, इसलिए हम ले आए आपके लिए चीज मायो वड़ा पाव। वड़ा पाव में चीज की स्लाइस डाल के और मेयोनीज डाल दिया है, बस बन गया चीज मायो वड़ा पाव। यार इसका टेस्ट एकदम बर्गर जैसे है, मतलब कि जो रियल वड़ा पाव का टेस्ट है वो तो चला ही गया। जैसे आप बर्गर खाते हो बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा है, बस बर्गर वाली टिक्की की जगह यहाँ पे वड़ा है, सिमिलर टेस्ट। और यहाँ पे हम एक वेफर पाव भी देते हैं, जिनको वड़ा नहीं पसंद है, हल्की चीज कुछ खानी है, तो उनके लिए डिफरेंट है वेफर पाव। इन्होंने पाव के अंदर अलग अलग चटनियां लगाई और लेस का पूरा पैकेट डाल के ग्रिल कर दिया। एंड लीजिए, रेडी है आपका पीरी पीरी वेफर पाव। Oh, that's good. The wafer pav is flavorful and satisfying. अगर आप अपने बच्चों को कुछ खिलाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती। और अगर आप वड़ा पाव खा के भी बोर हो चुके हैं तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। हमारे मुंबई का सफर यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी बेस्ट वड़ा पाव के शॉप्स थे जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, उन सबकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मुंबई जाते हो तो जरूर ट्राई करें। वी आर ट्राइड वड़ा पाव एवरी डे फॉर अ वीक इन मुंबई, एंड मुझे बस इतना ही कहना है, इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लोकल शॉप्स से लेके मॉडर्न ट्विस्ट तक सारे ही वड़ा पाव का अलग ही फ्लेवर था, मतलब एकदम यूनिक फ्लेवर थे सारे वड़ा पाव के, नॉर्मल वड़ा पाव को छोड़ के, क्योंकि जितने भी शॉप पे हमने नॉर्मल वड़ा पाव ट्राई किया लगभग हर जगह सिमिलर टेस्ट था, बस अशोक वड़ा पाव का स्वाद एकदम एक नंबर था। यह था एक छोटा सा वीडियो मुंबई के वड़ा पाव के ऊपर। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक एक कमेंट, और किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन। हरे कृष्णा। अरे भैया रुक जा। मुंबई में सबसे नीमन पटापते का वी फॉर वड़ा पाव।